यूरोप के एक मुल्क में स्लोवेनिया में, इसका मेन कौन सा है? ये लुधियाना में है, ये उनका कैपिटल है। यहाँ एक पाकिस्तानी भाई मिले हमें जो जिनका बिलोंग इस लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ही मैंने कहा कि हम के बारे में कुछ सवाल उनसे कर लिए जाए। हाँ, तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अकमल है। अकमल भाई कैसे हैं? ठीक है। कहाँ, लाहौर से हैं आप? जी जी जी। तो क्या यहाँ फूड डिलीवरी का काम करते हैं? जी मैं भी हैं। तो कैसे वीज़ा वगैरह कैसे प्रोसेस हुआ या बाकी चीज़ें आपकी कैसे प्रोसेस हुई? स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, यहाँ के लिए स्टडी वीज़ा मुझे ईरान से अप्लाई किया था, मैंने ईरान से मिला। फिर ईरान से डायरेक्ट मैं इधर आ गया। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं। तो क्या प्रोसीजर था पूरा इसके लिए? पर डिग्री मांगते हैं आपसे। आपने अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी में अप्लीकेशन आज के लिए खुली हुई हैं। सही। दोबारा इस साल वगैरह अप्लाई करना तो करें। सही। और उसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद जो है वो आपको ईरान जाना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एडमिशन अगर हो जाएगा तो। अच्छा। तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर वो आपको कहेंगे आके वीज़ा ले लें, आप दोबारा जाएंगे वहाँ से वीज़ा लें और फिर वहाँ से डायरेक्ट जो है इधर आएँ। सही। और वीज़ा बाकी सारी चीज़ों के बारे में कुछ इस तरह का पूछते हैं या करते हैं? अब वीज़ा के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो मुझे भरनी पड़ी थी, तकरीबन रखनी पड़ी थी इस तरीके में 17-18 लाख। 17-18 लाख डिपेंड करता है। मेरी दफ़ा यूरो था 310 का, तो बस यही मेरे लिए 5500 यूरो जो है ना वो आपको रखानी पड़ती है बैंक स्टेटमेंट। कितने टाइम के लिए? वो होता है कि जब आपने यूनिवर्सिटी जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया ना, तो उस टाइम पे तकरीबन उस टाइम से एक डेढ़ दो महीना पहले आपके बैंक में होने चाहिए, और जब तक वीज़ा नहीं लगता तब तक आपके अकाउंट पर है। तो तकरीबन 5-6 महीने लग जाते हैं वीज़ा प्रोसेस? नहीं, वीज़ा प्रोसेस होने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने सही, और 2 महीने पहले से पैसे होने चाहिए। हाँ, तकरीबन वही 5 से 6, 4-5 महीने होने चाहिए। और कितने? 16-17 लाख रुपये होने चाहिए। हाँ ठीक है। यानी कितने यूरो होने चाहिए? तकरीबन 5500 यूरो। और यहाँ कुछ और भी पाकिस्तानी हैं या इंडियन या कुछ? काफ़ी ज़्यादा है। इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी हैं। तो क्या है सैलरी पैकेज वगैरह क्या है ये जो अगर पार्ट टाइम आप करते हैं तो? वर्ल्ड पे कमा रहा हूँ तो अभी जो मैंने मेरा अभी मेरे ख्याल इस वीक में मेरे कोई तकरीबन 350 यूरो हो गया। 350 यूरो हो गया। तो अभी मतलब कि मुझे परमानेंट जॉब अभी मैंने अप्लाई किया अभी तक नहीं मिली, तो मैं जस्ट एज अ पार्ट टाइम के जॉब नहीं मिल रही आपको तो वेला दुनिया रहना। हाँ बिल्कुल। वर्ल्ड पे कर रहा हूँ तो वर्ल्ड पे अभी मेरा 350 यूरो हो गया। मतलब वीक में मतलब 350 से 450 यूरो तक जाता है? नहीं, 300 से 400 के दरमियान। मतलब यही है। इस वीक ज्यादा अच्छा था, मतलब वही तकरीबन 1600-1500 यूरो मंथली तकरीबन बनता है। नहीं 1400। हाँ 1400-1300 यूरो बनता है। ये दोस्त नया आया है और वो इतने कमा रहा है और स्टडी भी कर रहा है। अगर आप लोगों में से कोई दोस्त आना चाहे तो वो बड़ा इजीली आ सकते हैं। ये अकमल भाई यार बहुत शुक्रिया आपका, बहुत टाइम दे दिया हमने। एक्चुअली हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए थे खाने के लिए, तो बिल्कुल ये वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने ऐसे छेड़ा, मुझे लगा ये पाकिस्तानी है, तो ये माशाल्लाह से रुक गए। तो दोस्तों ये हफ्ते होती हैं, आपका ज़बान का अपना एक मान होता है, अपनी ज़बान में एक आवाज़ दी तो ये वापस घूम के आ गए। जी भाई मुझे बुलाया तो ये मोहब्बत है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्द एक नई वीडियो के साथ। जहाँ भी रहें खुश रहें। कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर को? ओके, बेस्ट ऑफ लक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू अकमल भाई।